प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाज़िया इलाही खान जी अपनी जान खतरे में डाल के मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही है, तो इसी मुद्दे पर हम देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। करना चाह रही हैं जो आपकी कोशिश है, देखिए इसमें मुस्लिम विमेंस को तो बहुत मदद मिलेगी, जो बड़ी प्रेशर का शिकार हैं, जो हम जैसी जिंदगी नहीं गुजारे, क्योंकि हर इंसान के एक तरह सर्कमस्टांसेस नहीं होते। भिड़ने से क्या फायदा मिलेगा आपको? आप इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ भिड़ने जा रही हैं, आप वकील हैं, आप कचहरी में जाती हैं, आपने सरतन से जुदा के नारे सुने हैं, आपने नपुर शर्मा का केस देखा है, उसके बावजूद आप क्यों अपने आप को खतरे में डाल रही है? ये लोग नहीं बदलने वाले और ये कभी वो स्पेस नहीं देंगे जो आप चाहती हैं कि एक मुसलमान औरत को मिले। ये इतना, इसको मैं जहाद ही कहूंगी, इतनी बड़ी स्ट्रगल करने का क्या रिवॉर्ड मिलेगा जब सामने से कोई सुनवाई ही नहीं है? मैं गई, लड़ी मस्जिद के अंदर, भले ही अनहाइजीन जगह, भले ही पीछे अंडरवियर और चड्डी लटक रही थी, पर जगह मैंने अपनी बनाई ना, जगह तो बनाई। और शैला, आप बहुत क्रिस्टल, एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, मैं बहुत लाउड और क्रिस्टल बोलती हूँ। मैं जात से औरत हूँ, जब मैं अपने औरत की जात का भला नहीं कर पाई अपनी जिंदगी में, तो लानत है मेरी जिंदगी पर, लानत है मेरी जिंदगी पर। पत्थर मारने वाले ने तो मरियम अलैहि सलाम पे भी मार दिया था, जब वो बिना मर्द के, बिना खाविंद के प्रेग्नेंट हुई थी। बुरा बोलने वाले ने तो बीबी मरियम पर भी बोल दिया था। अभद्र टिप्पणियां करने वाले ने तो बीबी मरियम पर भी बहुत किया था। ऐसी हालत बीबी मरियम की कर दी गई थी कि वो अपने घर से भाग गई थी, जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया था तब तक वो अपने घर पर नहीं ठहरी थी। अल-कुरान पढ़िए, उसमें समझ में आएगा। तो ये वही मुसलमान है जो बीबी मरियम के ऊपर पत्थर मारा करते थे, खुदा के करिश्मे को नकारा करते थे। तो मैं तो उन्हीं की जात से आ रही हूँ ना, हम तो बीबी मरियम को मानती है ना भी है। आप क्यों, मुझे सच में, मैं आपकी बात सुनती भी हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं। मतलब इतनी कट्टरता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, बहुत कट्टरता है। और जब एक औरत यहाँ पर खड़ी होती है तो उसके लिए, उसके उसके खिलाफ बगावत और भी ज्यादा बुलंद होती है। आप एक माँ भी हैं तो फिर क्यों 4 बिलियन एक डायरेक्शन में और नाज़िया इलाही खान दूसरे डायरेक्शन में? मैं तो अपनी बेटी, अपनी मुस्लिम बेटियों के साथ साथ अपनी हिंदू बेटियों के लिए भी बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं लव जिहाद पर सबसे ज्यादा आवाज मैं उठा रही हूँ, अपनी सनातनी बेटियों को सबसे ज्यादा मैं समझा रही हूँ, कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जो अब्दुल और जो रफीक और जो अमीन अपने इस्लाम की हमकलमा बेटियों को, हमकलमा लड़कियों को 3 तलाक 3 सेकंड में दे करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, अपनी हमकलमा बेटियों के बिस्तर पर, अपनी हमकलमा बेटियों लड़कियों के आबरू के साथ खेल सकता है और एक बिस्तर पर 4-4 बीवियां रख सकता है और उनकी इज्जत को तार तार कर सकता है, वो सनातनी और गैर मजहब की लड़कियों को जिहाद के नाम पर क्यों नहीं काटेगा, उनका क्यों नहीं बलात्कार करेगा? कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ औरत जात के एम्पावरमेंट और इम्प्रूवमेंट पर काम कर रही हूँ। मैं तो किसी एक खास समुदाय और मजहब के की लड़कियों के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मेरी मुसलमान बेटियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, मेरी मुसलमान बेटियां अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पाती हैं, मेरी मुसलमान बेटियां अपने लीगल राइट के लिए लड़ी नहीं पाती हैं, मेरी मुसलमान बेटियों के साथ पॉलीगेमी हो जाता है, हलाला हो जाता है, निकाह मसियार हो जाता है, निकाह मुत्ता हो जाता है, और वो चुप रहती हैं। क्यों चुप रहती हैं? क्योंकि फलाना एरिया के मौलाना साहब आकर के फतवा जारी कर देंगे और घर का हुक्का पानी बंद कर देंगे। मतलब हलाला के नाम पर मौलाना साहब प्रोस्टिट्यूशन का धंधा और नंगा नाच चलाते रहेंगे और हम चुप रहेंगे। मैंने, मुझे याद है शैला कि आपका भी एक न्यूज आपने बनाया था कि पाकिस्तान में ये हालत हो गई है कि हलाला और निकाह मुत्ता का सेंटर खोल दिया है मौलानाओं ने, गली गली में सेंटर खोल दिया है। बुरा लगा ना आपको? तो आपने भी आवाज उठाई ना जब आपको बुरा लगा?
तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरे आवाज उठाने का तरीका और भी ज्यादा वोकल है और भी ज्यादा तेज है और मैं जीरो ग्राउंड पर उतर करके अपने एक्शन से और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ उन सारे धागे को खोलना चाहती हूँ और उन सारे सच को खोलना चाहती हूँ जो पिछले 77 साल से भारत के मौलाना झूठ का एक जो चाशनी है वो सबको बांट रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको थ्रेट्स कितनी आती हैं ये बताएं। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थ्रेट है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मेरे 3 पिटिशंस गए हैं, 28 मार्च को गया था मेरा एक, उसके बाद फिर 2 अप्रैल को गया था मेरा एक, उसके बाद फिर एक गया था 27 मार्च को, उसके बाद फिर आज एक 9 अप्रैल को गया है। तो और साथ साथ मैं मेल भी कर रही हूँ और अपने लीगल फर्म के वेबसाइट और ईमेल आईडी से भी कर रही हूँ, हार्ड कॉपी भी भेज रही हूँ, पुलिस को भी भेज रही हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर को भी भेज रही हूँ, चीफ मिनिस्टर को भी भेज रही हूँ, होम सेक्रेटरी को भी भेज रही हूँ और मौलाना साहब को भी भेज रही हूँ, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए, सब चुप, सब खामोश है, किसी के मुंह से, मौलाना साहब के मुंह से तो चुम ही नहीं निकल रहा है। जो आप करने जा रही हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अगर ये आप कर लेती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। शाला, एक बार तो मैंने कर दिया है, मैंने रमजान के दूसरे जुमा की नमाज मैंने सफ में खड़े होकर के पढ़ी है, एक बार तो मैंने कर दिया है और दूसरी बार मैं इंशाल्लाह वल रहमान मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर आशीर्वाद तो भगवान राम का भी है और अल्लाह तबारक ताला का भी है। और मैं बहुत ब्लंट बोलना चाहती हूँ कि मैं हदीस नहीं मानती, मैं सही अल-बुखारी नहीं मानती, मैं बहिश्ती जेवर नहीं मानती, मैं किसी भी मौलाना का फतवा और तबलीग नहीं मानती, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं मानती जो व्यक्ति ने बनाया है, मैं अल कुरान मानती हूँ और अल कुरान के हिसाब से मेरा लीगल राइट है, मेरा इस्लामिक राइट है, दोनों राइट है कि मैं ईद की नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो मुसलमान हमें देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि जितना हक आपका है उतना एक औरत का भी है, और जो चाहती हैं कि चेंज आए काइंडली उनको स्पेस दें ताकि एक अच्छी मिसाल कायम हो। अगर आज नाज़िया अली खान ईदगाह जाके नहीं नमाज पढ़ती, वैसे तो औरतें भी पढ़ती हैं ईदगाह में लेकिन उनका एक सेपरेट होता है, नाज़िया जी का ये है कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे क्यों नहीं पढ़ सकते जैसे कि खाना काबा में, तो सवाल यहाँ पर ये है कि इकट्ठा होने में क्या मसला, घर वो भी अल्लाह का है, अगर वहां कोई शैतान नहीं आता तो फिर शैतान यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए ना, सवाल उनका ये है। सो देखते हैं कुछ घंटे बाकी, अगर चांद आज नजर आ जाता है तो सुबह फिर ईद है, और अगर चांद अगर रोजे 30 होते हैं तो फिर परसों है। सो देखते हैं कि नाज़िया अली खान, मैं आप कामयाब हो या ना हो मैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि आपने हिम्मत की है, और ये जो आपका पहला कदम है मेरे साथ, देखना कमेंट्स में कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो कोई तो बोला ना, एक कहते ना एक अंधेरे को दूर करने के लिए एक शमा ही काफी है, जो आपने जला दी, और पता नहीं मैसेज कितने तक जाएगा, कितनी नाज़िया अली खान इसके बाद खड़ी होंगी अपने हक के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, रोजे मुबारक, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखे, खुशियां बांटते रहे, पड़ोसियों का ख्याल रखे, मिठाइयां और सवैयां तकसीम करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत की बेटी नाज़िया अली खान की तरफ से रामनवमी सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 17 अप्रैल को रामनवमी है, चांद रात बहुत बहुत मुबारक, ईद बहुत बहुत मुबारक, और मेरी तरफ से जितने भी पाकिस्तान के की बेटियां हैं उनको ईद बहुत बहुत मुबारक, खूब सजे, खूब सवरे, खूब परफ्यूम लगाएं, खूब इत्र लगाएं, खूब मेहंदी लगाएं, बिल्कुल मना नहीं है, जिनकी आंखें बेहुदा है वो अपनी आंखों पर कंट्रोल करें, हम नहीं करेंगे अपने ऊपर कंट्रोल। आलिफ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, और ईद है, आपने मेहंदी नहीं लगाई, शॉपिंग के बारे में तो आपने बताया नहीं है, मौलाना के बारे में बता दिया। आज आज रात को मैं मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि हाँ, मैं अच्छा। और इसके बाद ईद के बाद अगर हम शो करेंगे तो मेरे हाथों में मेहंदी आने, आपको लोग देखना चाहते हैं ईद लोग को, जैसे आपका सनातन धर्म के त्योहारों पे एक बड़ा एक जबरदस्त सा लुक आता है, और मेरे हाथ की मेहंदी पे कल बात कहती मेरे हस्बैंड ने लगा दी है मुझे मेहंदी और हर जगह अपना नाम लिख दिया है। माशाल्लाह, नहीं मेरी ईद की शॉपिंग शाला एक्चुअली हमेशा से मेरी बड़ी बहन करती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ,
मैं कंफ्यूज हो जाता, मुझे समझ नहीं आता। कपड़े पहनने की आदत होगी, अब दूसरा कलर समझ नहीं आता। वो मार्केट में जब भी जाती हूँ ना, वो घुमा फिरा करके मैं सफेद ले लेती हूँ, और वो लोग घर पे लोग इतना चीखते हैं कि अरे ईद के दिन भी सफेद। तो मैं इसलिए आज से नहीं, जब मैं मात्र 9 साल या 10 साल की थी, तब से मेरी बड़ी बहन खरीद रही है मेरे सारे कपड़े। अच्छी बात होगी, पैसे भी वही दे देती है, वही दे देती है, मेरा बचत हो जाता है। बस एक बहन नाजिया जैसी हमें भी मिलनी चाहिए, जो हमारी सारी शॉपिंग करते हैं, लेकिन पैसे वाली बात अच्छी नहीं। नहीं, वही पे करती है, वही वही खुद मतलब मार्केट जाती है, खुद टेलर को देती है, वही पे करती है। मुझे पता भी नहीं होता, मैं इतनी बिजी होती हूँ, सुबह नहा लिया, नहा करके नमाज पढ़नी होती, तब मैं पूछती हूँ मेरा कपड़ा कहाँ है। हाँ वही दोस्तों, अमीर लोग आप समझ रहे हैं ना, अमीर लोगों को पैसों की कोई चिंता नहीं होती। मजाक कर रही हूँ, अपना ख्याल रखे दोस्तों। बहुत अच्छा लगा नाजिया जी आपसे काफी लंबे बाद अरसे बाद बातचीत करके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, बाय बाय। बाय बाय, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और हम सैल्यूट करते हैं नाजिया लाई खान जी की बहादुरी को, कि कैसे वो अपनी जान खतरे में डाल के महिलाओं के हक के लिए लड़ रही है, खासकर हम बात करें मुस्लिम महिलाओं के लिए। और उन्होंने बात की लव जिहाद के बारे में भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियां भी कैसे फंसाई जाती हैं लव जिहाद के नाम पे। जैसे उन्होंने कहा कोई भी अब्दुल सही नहीं है। और बाकी नाजिया खान जी की बात बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने कहा ना सिर्फ भगवान राम का बल्कि अल्लाह का भी आशीर्वाद है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हम सबकी तरफ से नाजिया लाई खान जी को ईद मुबारक और रामनवमी के लिए आप सबको शुभकामनाएं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।